विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अगर असली चीज बिना प्राप्त किए सिर्फ युग बदलते रहे, प्रोडक्ट्स बदलते रहे, तो भी असंतुष्टि होगी ही। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं, सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, हर जीव हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है, केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं, ऐसी शुरुआत ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है, इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास,
प्रेम आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भावों में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब आइए संदेश के इस भाग में हम इंसान के जीवन की यात्रा को समझें और मोक्ष के अर्थ को जानें। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इंसान जब लकड़ी युग में था तब उसे क्या विचार आए होंगे, जब पत्थर युग में था तब क्या विचार चले होंगे।
क्योंकि तब कैसा जीवन था, सहज मन का जीवन था। जंगल में वह जी रहा था, लकड़ी पत्ते ऐसी चीज़ों से संपर्क ज़्यादा था, कलमुंद खाकर वो जी रहा था सहज मन से। तो वो जीते जीते क्या हुआ होगा, जब विचार भाषा के साथ आने शुरू हुए तो एक असंतुष्टि अंदर निर्माण होती है कि क्या सिर्फ यही करते रहना है, कुछ अलग हो सकता है क्या। कुछ अलग की चाहत में युग बदलता है, क्रिएशन होती है, नवनिर्माण होता है। तो पत्थर युग आ गया, यानी सोच जो नया करना चाहती है, आजू बाजू में देखती है और उनसे कुछ निर्माण करती है। पत्थरों से कुछ चीज़ें बनी। लोह युग आया, धातु का युग आया, जिसमें खुदाई करके धातुओं को पाया गया, उससे चीज़ें बनने लग गई। कुछ समय तक संतुष्टि रही, मगर फिर अलग क्या, इससे अलग क्या। तो वह असंतुष्टि काम करवाते रहती है, करवाते रहती है, कब तक करवाएगी। मगर हर प्रयोग के बाद इंसान के अंदर असंतुष्टि वैसी ही बनी रहती है। सब करके देख लिया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, पर्दे पर आ गए, सब होने के साथ भी इंसान के अंदर वह खालीपन बना रहा। चाहत क्या थी, अलग क्या, अब अलग क्या, ये भी हो गया, अब अलग क्या। जब तक हुआ नहीं था, लग रहा था ये प्राप्त करने के बाद संतुष्टि मिलेगी। इंसान के जीवन की यात्रा, अपनी यात्रा देखेंगे तो समझ जाएं अगर आज के दिन कि ये यात्रा इसी तरह अगर कंटिन्यू करते रहे तो संतुष्टि नहीं आने वाली। अगर असली चीज़ बिना प्राप्त किए सिर्फ युग बदलते रहे, प्रोडक्ट्स बदलते रहे, तो भी असंतुष्टि होगी ही। तो इंसान इस दौर में, कुछ लोगों के अंदर विचार आया कि अलग अलग करके देखा, अब अलग से अलग क्या, अलग से अलग कुछ होगा जिससे संतुष्टि आएगी। कि ये प्रयोग कर लिए ना, और कितना करना। समझदार है तो थोड़े प्रयोग में ही समझ जाता, बेहोश में कर रहा है तो कितना भी रिपीटेशन करे वो वैसा ही रहता है। तो इसलिए होश में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है कि ठीक है, प्रयोग कर रहे हो करो, माया में जा रहे हो जाओ, मगर होश में जाकर आओ। नई जगह जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, तो वहाँ भी देखो स्थान बदलने से अनुभव पर क्या फर्क पड़ता है। प्रयोग करो, प्रयोग में अटको नहीं, उलझो नहीं, और होश के साथ, ताकि उम्मीद की जा सके कि अंदर से वह कन्विक्शन उठेगी और जीवन वह चीज़ प्राप्त करेगा जिसके लिए वह विकास कर रहा था, जिसके लिए वह आगे बढ़ रहा था, जो फाइनल सत्य वह चाहता था वह सामने आएगा। तो यहाँ सभी ने समझा कि अलग से अलग क्या, जब कुछ लोगों के अंदर आया कि अब अलग से अलग कुछ करना है, उसी से ही कुछ होने की संभावना है। अब ये अलग से अलग जो होगा उसको कुछ नाम तो देना चाहिए, वरना बोलचाल में हम बातचीत कैसे करें। क्योंकि जो अलग से अलग होगा उसको आप न शक्ल दे सकते, न रूप दे सकते, तो मगर फिर भी कोई नाम देना चाहिए। एक समझ के आधार पर, बोलचाल के हिसाब से जो ग्रुप इकट्ठा काम करेगा, तो फिर उस शब्द क्या दिया गया, अलग से अलग को शब्द दिया गया मोक्ष।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।